हर खबर सच्चाई के साथ। नकटी नारायणपुर गांव में लोगों को जागरूक करने पहुंची पैनी नजर सामाजिक संस्था ने कहा, बुधवार से चलाया जाएगा चालान भरो आंदोलन अभियान। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र भतपुरा इलाके नकटी नारायणपुर गांव में पहुंची पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने लोगों के बीच जाकर जागरूक करते हुए कहा कि प्रशासन ने किसानों की ट्रालियों का चालान काटकर उन पर 66,500 रुपये का जुर्माना लगाकर यह बता दिया है कि वह किसानों पर किस तरह अत्याचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संस्था बुधवार से चालान भरो आंदोलन अभियान करेगी और गांव-गांव जाकर चंदा इकट्ठा कर प्रशासन को सौंपेगी। यह बात सुनकर नकटी नारायणपुर गांव के लोगों ने कहा कि संस्था का सहयोग करने के लिए वह सभी लोग उनके साथ हैं और चालान की राशि जमा करने में उनका सहयोग करेंगे। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले हरजया गांव के किसानों के साथ पैनी नजर सामाजिक संस्था ने आवारा पशुओं के आतंक से परेशान होकर आवारा पशुओं को ट्रालियों में लादकर नवाबगंज तहसील प्रांगण में ले गई, जिस पर प्रशासन ने आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने के बाद किसानों की दो ट्रालियों का चालान कर उन पर भारी जुर्माना लगा दिया था। इसी के चलते पैनी नजर सामाजिक संस्था चालान भरो आंदोलन अभियान चलाने की बात कर रही है। फिलहाल संस्था के इस ऐलान के बाद प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज हमारा आना इस उद्देश्य से भी हुआ है कि कल से संस्था का जो है चालान भरो आंदोलन आरंभ होगा। इसके लिए ग्रामीण लोगों से मैंने बात की कि हम सबको मिलकर ये किसानों के ऊपर जो दंड थोपा गया है, किसानों की बात तो नहीं सुनी गई है परंतु दंड थोपा गया है। हमने आज तक का इंतजार इसलिए किया है कि हमने जिला प्रशासन को इस संबंध में चालान रद्द, किसानों के मजबूर किसानों का चालान रद्द करने के संबंध में उनकी ट्रालियों को बंधक बना लिया गया है, जिससे उनका कामकाज भी ठप्प हो गया है। तो उस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। जिला अधिकारी महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि हम जांच कराएंगे और इसको हो सका तो रद्द भी कराएंगे। तो उसी का इंतजार हमने आज तक किया है कि अगर जिला अधिकारी महोदय जो हैं हमारे DM साहब अगर उसको रद्द कराते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और उसके लिए फिर हम उनका धन्यवाद भी करेंगे, और अगर नहीं ऐसा हो पाता है उनसे तो इसके लिए संस्था तैयार है। 66,500 का जो चालान है वो पूरे इस क्षेत्र की जनता चाहे 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये जो भी हमें संस्था को देगी, क्योंकि संस्था के पास अपना कोई बजट नहीं है। संस्था निस्वार्थ भाव से लोगों की समस्याओं को सुन रही है और प्रशासन तक वो आवाज़ को पहुंचा रही है, सरकार तक। संस्था का ना तो इसमें कोई गलत उद्देश्य है और ना ही संस्था कोई प्रशासन को कोई से एक बहस का मुद्दा बनाना चाहती है। केवल जमीनी हकीकत को हम बताना चाहते हैं और जमीनी हकीकत पर ग्राउंड लेवल पर हम वर्क चाहते हैं। ये ऐसी लोगों की समस्या देखकर संस्था ने ये कदम उठाया था। तो इसके लिए हमने ग्रामवासियों से पूछा है, क्या आप लोग इसमें सहयोग करेंगे? सभी ग्रामवासी, ये इतनी भीड़ आप देख रही है, कोई भी व्यक्ति से अगर आप पूछ कर देखें तो कोई ना करने को तैयार नहीं है। और ये अभी साथ में खड़े हैं, क्या नाम भैया बताया था? भुवनेश गंगवार। इन्होंने कहा, मैम आप कल आइए और पूरे गाँव से हम आपको चंदा करवाते, हम सब लोग मिलकर जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से हम लोग देंगे। तो ये उत्साह है लोगों के अंदर, उन्हें एक उम्मीद जाग रही है संस्था से कि शायद हो सकता है कि इन पशुओं का कहीं कोई समाधान निकलेगा जिससे हम अपनी फसलों को बचा पाएंगे और अपनी जान की भी रक्षा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो सांड होते हैं, जितना ये खाते नहीं हैं उतना उससे ज़्यादा ये चल चल के उसमें नुकसान करते हैं। सबसे बड़ा विषय ये है, सोचने की बात है। ये पशु कहीं गौशाला के अंदर एक उनका घर बनाकर वहाँ रोकने चाहिए, ताकि ये चलते फिरते तमाम गाड़ियों का एक्सीडेंट, जिस दिन ये ट्रालियाँ गई थी उसी दिन रिछोला में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी एक गाय सामने आ गई, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि गाय बिल्कुल सुरक्षित है। तो इस तरह की घटनाएं डेली घट रही हैं। तो संस्था का ये अभियान कल से चालान भरो आंदोलन आरंभ होता है और इसको हम 3-4 दिन में कंप्लीट करके और प्रशासन को सभी किसान भाई हमारे साथ चलेंगे और चलकर ये हम प्रशासन के सम्मुख भरेंगे और उसके बाद अपनी ट्रालियों को, किसानों की ट्रालियों को हम छुड़वाएंगे। जिस तरह से आपने चालान भरो आंदोलन की बात कही थी, क्या प्रशासन इससे कोई सीख लेगा या आपकी सुनवाई करेगा? देखिए, अब प्रशासन है, उसके पास शक्तियां हैं, अब वो सीख लेता है या नहीं लेता है, लेकिन ये जो है आंदोलन ये चलता रहेगा, हम अपनी बात तो उठाते ही रहेंगे। ये प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस पर क्या संज्ञान लेता है। A1 न्यूज़ इंडिया।
हर खबर सच्चाई के साथ।